एक मूछी की शादी हो जाती है तो शादी की पहली रात जब मूछी अपनी दुल्हन के पास जाता है तो दुल्हन से बातें करते करते सो जाता है। दुल्हन बेचारी जो बहुत से ख्वाब अपनी अनखों में सजाए बैठी थी, कुछ देर तो तक वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब दुल्हन हार गई तो उसने जबरदस्ती दोलहे का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिया। जब दोलहे ने पकड़कर जजा लिया तो कहने लगा, बहुत बड़े बोठी, उनकी पॉलिश के 200 रुपए लूंगा। एक औरत एक दुकान पर गई और वहां से एक बुरा और एक अंडरवियर खरीद रही थी। दुकानदार उनकी कीमत काफी ज्यादा बता रहा था और वो औरत चेकिंग कर रही थी। आखिर दुकानदार ने कहा, हूँ ठीक है, अब देख ली बुरा में, मैंने आपका दिल रख लिया है, बस अब अंडरवियर में तुम मेरा रख लेना। बांजू के साथ पीढ़ी पर बैठी मामी झपटे लगाते लगाते उसकी खून निकल गई तो उसने पीढ़ी को घसीट के वैसे ही आवाज निकालने की कोशिश की ताकि ये लगे कि जैसे ही नहीं निकली थी बल्कि पीढ़ी की आवाज थी। ये देखकर एक 10 साला भानजा बोला, नहीं मामी, वो आवाज और थी और ये आवाज और है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो काम कर रहा था कि इसको मोहल्ले के एक बच्चे ने देख लिया और बोला, मुझे भी ये काम करने दो वरना मैं तेरी अम्मी को बता दूंगा। लड़की बोली, ले मार ले तो भी। बच्चा काम करने की कोशिश करने लगा लेकिन इससे काम नहीं हुआ। काफी कोशिश के बाद भी जब काम नहीं हुआ, बच्चा बोला, ना भाई ना, गलत काम गलत होता है, मैं तो जाकर तेरी अम्मी को ही बताऊंगा। एक हाजी साहब वैक्सीन लगाने के बाद घर आए और कहा, नर्स ने इतना दुरुस्त इंजेक्शन लगाया है कि कहीं तकलीफ नहीं हुई। अंदर से बीवी की आवाज आई, दूसरी खवातीन की सुइयों तक नहीं छुप थी और मेरे अल्फाज अब कुछ छप जाते हैं। एक अकलमंद और बेवकूफ का एक जगह पर इंटरव्यू था। दोनों एक साथ ही इंटरव्यू के लिए चले। रास्ते में अकलमंद ने बेवकूफ से कहा कि जो सवाल मुझसे होंगे वही तुमसे पूछे जाएंगे, उसी लिए मैं जो जवाब दूंगा वो तुम अच्छी तरह से रट लेना और फिर तुम भी अपने सवालों का वही जवाब देना जो मैं दूंगा। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले अकलमंद की बारी आई, इससे सवाल शुरू हुए। पहला सवाल था, पाकिस्तान कब वजूद में आया? जवाब था, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? जवाब मिला, नरेंद्र मोदी। तीसरा सवाल, मरीज पर आबादी है या नहीं? जवाब मिला, साइंस दान तहकीक तो कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं कर सके। अब बेवकूफ की बारी आई, इससे पहला सवाल था, तुम कब पैदा हुए? बेवकूफ का जवाब, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी लेकिन 1947 में अलिफ कर वजूद में आया। दूसरा सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, वैसे तो बदलते रहते हैं लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? बेवकूफ ने जवाब दिया, तहकीक तो कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं कर सके।